WWE Network presents Money in the Bank. Money, money. तो वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका। और आज होने वाला मनी इन द बैंक लैडर मैच। तो ये देखिए ब्रीफकेस टंगा हुआ है और मैं हूँ अंकित और मेरे साथ में आदि। और थैंक यू अंकित। और यहाँ पर देखिए मनी इन द बैंक लैडर मैच की शुरुआत हो चुकी है और दी वाइपर रैंडी ऑटम, द फर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ मनी इन द बैंक लैडर मैच, द वाइपर रैंडी ऑटम आते हुए रिंग में। ये आज वापस से मनी इन द बैंक जीत के इतिहास बनाने का सोच रहे रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनी इन द बैंक जीता है रैंडी ऑटम ने और उनके साथ बहुत सारे और भी रेसलर्स हैं। ये और ये आते हुए द गेम, द दूसरे पार्टिसिपेंट इस लैडर मैच का, द गेम ट्रिपल एच। ट्रिपल एच यहाँ पर आ चुके हैं रैंडी ऑटम के पार्टनर, जैसे हम देखा करते थे 2014 के आसपास रेवोल्यूशन में, दोनों पार्टनर रह चुके हैं, लेकिन कई बार राइवलरी भी रह चुके हैं दोनों से। बहुत ही अच्छा एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये आते हैं हमारे द तीसरे पार्टिसिपेट इस मैच के, द सी नेशन लीडर जॉन सीना, द फेवरेट वन जॉन सीना। हर वक्त एंटरटेन करते पूरे अरेना में, जब भी आते पूरी जान भर देते। और इस मैच में ये वन ऑफ द फेवरेट मैच है, मैन है जो मैच जीतने के, लेकिन इनके सामने कोई मैच जीत सकता है क्या? चौथे कंटेस्टेंट आते हुए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर इनका नाम ही काफ़ी है रेसलर्स को डराने के लिए, क्योंकि जो इनके कारनामे हैं वो हम सब अच्छे से जानते हैं। ब्रॉक लेसनर अपने ओपोनेंट को पूरे चीर फाड़ देते हैं। और ये मैच जो है गर्मा गर्मी तो पहुँचेगा, ये ब्रॉक लेसनर छोड़ने वाले नहीं किसी को। और ये आते हुए द हमारे फिफ्थ कंटेस्टेंट, द बिग डॉग रोमन रेंज। यहाँ पर रोमन रेंज आ चुके इस मैच में। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की नज़र रोमन रेंज पर रहेंगी, क्या नया करने का सोच रहे रोमन रेंज, क्योंकि उनके सामने एक से एक बढ़कर रेसलर होंगे। उनको आज प्रूव करना होगा कि मतलब ये उनका ही यार्ड है। और ये आते हुए सिक्स्थ मेंबर ऑफ इस मैच के और शील्ड के दूसरे मेंबर डीन एम्ब्रोज दी शील्ड आज हमें दिखने मिलेगा, क्योंकि इसके बाद एक और कोई आने वाला, वो सरप्राइज होगा हम सब के लिए। यहाँ पर डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंज और ये हमारे द तीसरे मेंबर शील्ड के और हमारे आज के मनी इन द बैंक के लास्ट कंटेस्टेंट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हुए। फ्रीकिंग रॉलिंस आ गए, ये मनी इन द बैंक चैंपियन रह चुके आज वापस से इनकी राह। सबसे हिस्टोरिक कैश इन हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ में, जो मनी इन द बैंक को कैश इन किया था रोमन रेंज के साथ में रेसलमेनिया में। और रोमन ब्रॉक दोनों इस मैच में है और सेहत को देखने वाली बात है कि दोनों पे जो कैश इन किया था उसका फ्रस्ट्रेशन जरूर निकालेंगे आज। शील्ड के तीनों मेंबर, एवोल्यूशन के दो मेंबर, और ये मैच स्टार्ट होते हुए और एक सब सब सबके सब ब्रॉक लेसनर पे टूट गए, ब्रॉक लेसनर पे सब टूट पड़ गए एक साथ, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर कितने हावी हो सकते हर एक रेसलर के ऊपर। और एक शील्ड एक साथ में और यहाँ पे जो अभी फेस ऑफ हो रहा है शील्ड यहाँ पर, और ये शील्ड ने एक एक मेंबर को रोमन रेंज ट्रिपल एच को मारे और वहाँ पे जॉन सीना और रोमन रेंज एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। लेकिन ये क्या, रोमन रेंज ने सुपर पंच रैंडी ऑटम को है और डीन एम्ब्रोज एक रनिंग बुलडॉग ट्रिपल एच को यहाँ पर कितनी तेजी से मैच यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। जॉन सीना को हाई नहीं देते हुए हाई नहीं, अब शील्ड के तीनों मेंबर और शील्ड के तीनों मेंबर आपस में भी लगता है यहाँ पे फ्रेंडशिप कोई मैटर नहीं करता, ये प्रेस्टीजियस टाइटल और नया चैप्टर आज जुड़ने जा रहा है इस मनी इन द बैंक हिस्टोरिक मैच में। और ये शील्ड को डिनोट करते हुए सेथ रॉलिंस टीज करते हुए यहाँ पर रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोज को, लेकिन ये देखिए ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, क्योंकि दोनों हावी हो चुके सेथ रॉलिंस पे, डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंज। और यहाँ से डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंज का बेसिक फोकस है कि पहले सेथ रॉलिंस को बाहर करो, क्योंकि वो कभी भी टर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को फेस ऑफ करते हुए, अब रिंग के बीच में दो मैन जो अभी तक के सबसे बेस्ट रेसलर हमें दिखाई दिए। और यहाँ पे फ्रेंडशिप बिल्कुल मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ एक टाइट प्रेस्टीजियस यहाँ पे प्राइज के लिए इस मैच में। और यहाँ पे डीन एम्ब्रोज यहाँ रोमन रेंज को बकल बॉम्ब में मारते हुए, यहाँ पर सभी रेसलर अपने इंडिविजुअल सोच, और एक रनिंग बुलडॉग आते हुए डीन एम्ब्रोज को, लेकिन सेथ रॉलिंस किक सेथ रॉलिंस का। और इस मैच में सेथ रॉलिंस वापस से डोमिनेट लेते हुए, यहाँ पर सेथ रॉलिंस वापस रिंग के अंदर अभी पूरा डोमिनेट करते हुए, क्योंकि ये मैच सभी जानते हैं। अरे ये क्या लैडर आते हुए इस मैच में, अभी सेथ रॉलिंस पूरा लैडर आ चुका है, उनका मोटिव पूरा क्लियर है कि पहले सबको डिस्ट्रॉय करो और ये चैंपियनशिप लेके अपना चलो। और ये क्या, ओ माय गॉड, ये रिपकेस के ऊपर हमला करते हुए लैडर से, और अब डीन एम्ब्रोज को टारगेट करते हुए लैडर से
सेथ रॉलिंस इस मैच में सभी मैन डाउन है यहाँ पर रिंग में, और अब सेथ रॉलिंस के पास बहुत ही अच्छा मौका है, देखो कैसे काउंटर किया उन्होंने। अब ये सेथ रॉलिंस का सीधा फोकस है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के ऊपर होने वाला है, यहाँ पर कैश इन करने का सोच रहे हैं सेथ रॉलिंस। सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आ गए, देखिए द बीस्ट इन कार्निवल। सेथ रॉलिंस इस मैच में पूरा मतलब मोमेंटम ले चुके थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर अचानक से आया क्योंकि उनको ज़्यादा देर कोई डाउन नहीं रख सकता इस मैच में, और ब्रॉक लेसनर भी रोमन रेंस के बाद सुप्लेक्स, ओ माय गॉड इंपैक्ट देखिए आप वो सुप्लेक्स का, कितनी तेजी से आके ब्रॉक लेसनर ने एक पहले रोमन रेंस को, सेथ रॉलिंस को, फिर उसके बाद रोमन रेंस को, और इस मैच में पूरा ब्रॉक लेसनर डोमिनेट। लेकिन आरकेओ, आरकेओ, ओ माय गॉड, व्हाट, ओएमजी, और ये सुपरमैन पंच के लिए गए रोमन रेंस, लेकिन इधर भी आरकेओ, ओ माय गॉड, एक और आरकेओ यहाँ पर, दो लगातार आरकेओ, अरे डीन एम्ब्रोस को भी आरकेओ, ये क्या देख रहे हैं मैच में, अनबिलीवेबल। ये रैंडी ओटम पूरा डोमिनेट, और ये सेथ रॉलिंस काउंटर करने की कोशिश की, और इस सेथ रॉलिंस को भी आरकेओ, आरकेओ द वाइपर, रैंडी ऑटेंस यहाँ पर पूरा गेम बदल दिया। सुप्लेक्स सिटी में आने वाले, लेकिन यहाँ पे आरकेओ सिटी में आ चुके हैं, और लेकिन जॉनसन एक ले आ रहे, जॉनसन एक ले, और ये काउंटर किया आरकेओ में, क्या आरकेओ में, ये समझ ही नहीं आया कि रैंडी ऑटम ने कैसे काउंटर किया आरकेओ, स्टार्टिंग में पूरा आरकेओ सिटी में लेके जाते हुए सबको, ये सब वन बाय वन यहाँ पर सब ढेर हो गए रैंडी ऑटम के सामने, और वो जो आरकेओ हर एक बार अलग अलग बार हर एक रेस्लर्स को उनके मूव्स पे काउंटर करके, और ये देखिए जो जॉनसन है लास्ट में, जॉनसन को जो काउंटर किया, ये वन ऑफ द फेवरेट्स रहेगा इस मैच का। वाओ, अब रैंडी ऑटम, लेकिन ये देखिए ट्रिपल एच बाकी थे, दोनों का फेस ऑफ चालू हो चुका इस मैच में, ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है इस मैच, रिवॉल्यूशन, ये क्या हो सकता है दोनों का फाइट ऑफ, लेकिन उससे पहले सब मेंबर्स टूट पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखिए पंचेस की बौछार हो गया, अब सब रेसलर्स एक दूसरे को डोमिनेट करते हुए, लेकिन ये देखिए कितने फायर्ड अप हो चुके हैं सेथ रॉलिंस, उन्होंने मौके का सही फायदा उठाया, सारे रेसलर रिंग में थे लेकिन एक फ्रॉग स्प्लैश आते हुए वहां पे, और यहां पर सभी रेसलर को उन्होंने एक साथ डाउन कर दिया है, ये इम्पैक्ट देखिए पूरे रेसलर्स को यहाँ पर डाउन कर दिया है पर सेथ रॉलिंस ने, और अभी टारगेट करने का सोच लिया, लेकिन एक स्टॉर्म रैंडी ऑटम को, ऑटम के ऊपर एक स्टॉर्म आते हुए, और ये ब्रॉक लेसनर भी शायद मुश्किल में पड़ती है, उनके ऊपर भी शायद स्टॉर्म आ सकता है, और ये ब्रॉक लेसनर स्टॉर्म, लेकिन ये ब्रॉक लेसनर ने काउंटर किया, क्या F5 मिलेगा, F5 यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर फिर से वापस से डोमिनेट करते हुए इस मैच में हमें कुछ पता नहीं, और ये स्पीयर रोमन रेंस का, स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर आते हुए, ब्रॉक लेसनर रेडी नहीं थे, लेकिन ट्रिपल एच आ गए रोमन रेंस को काउंटर करते हुए, और ये पेडिग्री के लिए, और पेडिग्री यहाँ पर, यहाँ पे ट्रिपल एच मौके का फायदा, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने मौके का फायदा उठाया ट्रिपल एच को, और एक डर्टी डीज, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक से एक अनबिलीवेबल फिनिशर्स हमने देखने को मिल रहा है, अभी पर जॉनसना और एक ए टू डीन एम्ब्रोस, यहाँ पर कितनी तेजी से मैच पलटा है यहाँ पर हर एक रेसलर्स के लिए, ये ब्रॉक लेसनर ने स्टॉर्म को काउंटर किया एक F5 में, लेकिन वो रेडी नहीं थे, तो यहाँ पे स्पीयर आ गया रोमन रेंस का यहाँ पर, फिर उसके बाद रोमन रेंस को संभालने का मौका नहीं मिला, और ट्रिपल एच की तरफ से एक पेडिग्री आते हुए, और उसके बाद डीन एम्ब्रोस यहाँ पे डर्टी डीज से काउंटर किया, सबने अपने अपने बेस्ट फिनिशर्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर जॉन सिना लैडर का ध्यान में अभी जा रहे हैं टॉप रोप पे, यहाँ पे लेकिन एक सुपरमैन पंच रोमन रेंस अभी मौके का फायदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर लैडर पे चढ़ते हुए अभी तेजी से, या देखिए मनी इन द ब्रीफकेस को पहले बंदे जो टच कर चुके हैं इस मैच में खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेथ रॉलिंस यहां पर रोमन रेंस को उठा ले, बड़े मूव के लिए यहां पर जा रहे, और एक पावर बॉम्ब रोमन रेंस को यहां पर सेथ रॉलिंस की तरफ से, लेकिन यहां पर ट्रिपल एच आ गए, और ये देखिए सेथ रॉलिंस को पेडिग्री, जिनसे सीखा उसी को पेडिग्री, यहां पर सेथ रॉलिंस के लिए बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, और एक डीन एम्ब्रोस एक लुनेटिक लैडर क्लोथलाइन के साथ में आते हुए, कैसे रोमरिस को काउंटर किया सेथ रॉलिंस ने पावर बॉम्ब के साथ में, लैडर से उठाया और पावर बॉम्ब दिया, जिस स्पीड में ये मैच चल रहा हम
हम स्पीचलेस हो चुके पूरे सब यहाँ पर अरीना में, क्योंकि यहाँ पे डीन अब समझ में आया क्या हो रहा है, लेकिन पीछे से ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स देते हुए सुप्लेक्स यहाँ पे ब्रॉक लेसनर लगता है सेलिब्रेट, मतलब डीन अब ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर सेलिब्रेशन को पूरा वेस्ट हो गया पर ब्रॉक लेसनर ने किया। और यहाँ पे ब्रॉक ने सब पूरा डीन एम्ब्रोस को टारगेट में लेते हुए और एक एफ फाइव ले जा रहे और एक एफ फाइव अब डीन एम्ब्रोस के यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गए। और फिर से ब्रॉक लेसनर जहाँ से ब्रॉक लेसनर को सब अटैक कर रहे थे, अभी ब्रॉक लेसनर उसी रिंग में अकेले खड़े और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर अभी मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर लैडर को पोजीशन में लाते हुए अभी ये ब्रॉक लेसनर लगता है कि पिछले साल एक साल की तरह वापस जीतने वाले आए थे ब्रॉक लेसनर, जीते थे लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस ट्राई करे उनको यहाँ पर गिराने का लैडर से, लेकिन ये आरक्यो इन द मिड एयर ब्रॉक लेसनर को मिड एयर में आरक्यो यहाँ पर रैंडी ऑटम, ये राइवलरी हम जानते हैं ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑटम का। ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस ने मतलब डिसबैलेंस किया और वहाँ पे आरक्यो, अरे जॉन सीना है लेकिन जॉन सीना को भी आरक्यो पढ़ने वाला, लेकिन जॉन सीना यहाँ पे काउंटर के, इस बार क्या हो सकता है, दूसरा मोमेंट है ये का, लेकिन इस बार कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर जॉन सीना डेस्टिनेशन ए और यहाँ पर रोमन रेंस को भी उठा लिया, यहाँ पर टारगेट किया है, लगता है रोमन रेंस भी मुश्किल में। और ये देखिए इंपैक्ट देखिए, यहाँ पे आते हुए हम ए सीट में अभी एटीट्यूड एडजस्टमेंट का सीट, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स के लिए जा रहे थे लेकिन यहाँ पर काउंटर की और ब्रॉक लेसनर को उठा लिया यहाँ पर भारी भरकम और यहाँ पर एक और ब्रॉक लेसनर को, वाओ जॉन सीना की पावर देखिए अभी इस मैच में लीड करते हुए। यहाँ पे डीन एम्ब्रोस को भी यहाँ पर उठा लिया और एक और लगातार चौथा ए आ चुका है, लगातार चार अलग अलग रेसलर्स को एक साथ ए देना। आरक्यो इस बार रैंडी ऑटम रेडी नहीं थे, जॉन सीना रेडी नहीं थे और रैंडी ऑटम को आरक्यो मिला, लेकिन ब्रॉक लेसनर है यहाँ पे, रैंडी ऑटम ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को पंचे से, आज कोई भी रेसलर सेलिब्रेशन नहीं कर सकता जब तक दूसरा उनको काउंटर नहीं कर देता। ब्रॉक लेसनर आरक्यो इस बार ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे रैंडी ऑटम को जवाब दिया आरक्यो का एक एफआई के साथ में, लेकिन शील्ड यहाँ पर टूट पड़े ब्रॉक लेसनर को, यहाँ पर शील्ड टूट पड़ी है ब्रॉक लेसनर पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था क्योंकि सब ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर रहे थे, वो हमने देखा भी इस मैच में, अकेला ब्रॉक लेसनर को रोकना किसी की बस की बात नहीं है, तो शील्ड मेंबर्स सब साथ में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें क्या देखने वाले हैं, द शील्ड का ट्रेडमार्क ट्रिपल पावर बॉम्ब क्या आज हमें देखने मिलेगा, वो तैयारी हो चुकी है, बस यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे ब्रॉक लेसनर को, ट्रिपल पावर बॉम्ब आते हुए लगता है और एक ट्रिपल पावर बॉम्ब ब्रॉक लेसनर को आया, ये शील्ड के लिए और हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा फैन बेस मूवमेंट था यहाँ पर। ये स्टार्टिंग में जॉन सीना एक की बारिश कर चुके थे लगातार सबको ए पे ए देते थे, लेकिन इस मैच में जॉन सीना भी ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं ले पाए और ए का कंट्रोल उसको आरकेओ में बदल दिया था, वो जहां अगर सेलिब्रेशन खराब करना हो वहाँ रैंडी ऑटम पहला आ जाते और यहाँ पे शील्ड ने डोमिनेट किया ब्रॉक लेसनर को एक ट्रिपल पावर बॉम्ब साथ में और इस रिंग को पूरा भी शील्ड रूल कर रही है, शील्ड रूल करते हुए यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर रिंग के बाहर कर दिया है, यहाँ पे पूरा रिंग को कंट्रोल ले चुके हैं शील्ड ने और यहाँ पर देखते हुए लेकिन स्पीयर ट्रिपल एच को स्पीयर रोमन रेंस की तरफ से एक स्पीयर आते हुए और ये जॉन सीना को सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री के साथ काउंटर किया यहाँ पर और एक डीन एम्ब्रोस यहाँ पे आ चुके हैं रैंडी ऑटम, लेकिन डीन एम्ब्रोस यहाँ पर काउंटर करते हुए और यहाँ पर डर्टी डीज रैंडी ऑटम को यहाँ पर शील्ड मिल के रियूनियन मिल के सबको डोमिनेट कर चुके हैं इस रिंग में, एक है लेकिन रोमन रेंस ने काउंटर किया लेकिन यहाँ पे पेडिग्री के साथ में काउंटर किया स्पीयर को, लेकिन डीन एम्ब्रोस को देखिए यहाँ पर मौके का फायदा उठा के डर्टी डीज डीन एम्ब्रोस की तरफ से सेथ रॉलिंस को, अब डीन एम्ब्रोस के पास खाली हो चुका है, डीन एम्ब्रोस इस रिंग में अकेले खड़े सब रेसलर मौके का फायदा उठाएंगे और यहाँ पर बहुत ही तेजी से डीन एम्ब्रोस ने लैडर पे चढ़ गया, क्या मनी इन द बैंक मिस्टर मनी इन द बैंक ओ माय गॉड अनबिलीवेबल, डीन एम्ब्रोस द न्यू मनी इन द बैंक चैंपियन, इसको स्पीयर देने जा रहे थे सेथ रॉलिंस को लेकिन काउंटर किया एक पैडिंग के साथ में और उसके बाद डीन एम्ब्रोस ने डर्टी डीज का मौका का फायदा उठाया और ये मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं, तो आज हमारे द मिस्टर मनी इन द बैंक 2023 है डीन एम्ब्रोस एंड दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर मैच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन, अपने इस मैच से फेवरेट मोमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और नेक्स्ट मैच के लिए हमें सजेशन जरूर डालिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सेलिब्रेशन का